अब बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी नेता तेजस्वी ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। तेजस्वी ने लिखा है कि पीएम को खुश करने के लिए सीएम ने बहुत कुछ कर दिया। साथ ही उन्होंने सीएम पर आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर टीकाकरण की संख्या बढ़ाने के लिए आपके प्रदेश में टीकाकरण एक सप्ताह के लिए कम कर दिया गया था, क्या सीएम साहब क्या इस चट्टुकारिता से आम आदमी को कोई फायदा हुआ है? 17 सितंबर की अपेक्षा टीकाकरण संख्या बाकी दिनों में 6 गुना कम क्यों है? आपके पास इस विफलता पर कोई तार्किक उत्तर है? तेजस्वी ने कोरोना वैक्सीनेशन का एक चार्ट भी शेयर किया है जिसमें 17 सितंबर और पिछले 7 दिनों का कोरोना टीकाकरण का रिकॉर्ड है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया था। महाअभियान पर दर्ज किए गए आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीनेशन में बिहार पहले पायदान पर रहा था। तो वहीं आरजेडी के हमले के बाद वैक्सीन महाअभियान का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस भी सत्ता पक्ष पर हमलावर है। उधर मामले पर सत्ता पक्ष अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहा है। आप सोचिए कि फर्स्ट डोज अभी आप दे रहे हैं, कितने लेट हैं। जो वैक्सीन स्टार्ट हुई वैक्सीनेशन, उसके बाद आज तक आप इसमें जांच करने हैं कि कल कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को फर्स्ट डोज मिला, कितने लोगों को सेकेंड डोज मिला, इसका आंकड़ा सामने आ जाएगा, स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। मेरे समझ से अभी भी सेकंड डोज जो लोग हैं जिनका समय पूरा हो चुका है, समय पर नहीं मिल पाया। द्वितीय वैक्सीनेशन जिस प्रकार से आप 17 तारीख को किए हैं, एक सप्ताह तक लगातार कर बिहार के संपूर्ण लोग वैक्सीनेट हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ये टीटीएम वैक्सीनेशन कर रहे थे और ऐसे लोगों को वैक्सीन दिए हैं जो 2 डोज ले लिए थे, जो मर गए थे, आज जो नहीं भी लिए हैं उनको भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम राज्य हित में आपसे आग्रह करते हैं कि तावर तोर वैक्सीनेशन 1-2 सप्ताह कर दीजिए ताकि सबको वैक्सीनेशन हो जाए। अपने दरबार से निकल के जरा देखें तब पता चलेगा कि रिकॉर्ड इसलिए बना है कि उस दिन आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा था। यह साबित करता है कि बिहार की जनता, बिहार की आवाम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करता है और आस्था व्यक्त करता है कि उनके जन्मदिन पर जो लोग नहीं दिला रहे थे वह भी जाके कतार में खड़ा होके वैक्सीनेशन कराया। नीतीश फोबिया से ग्रसित हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बिहार में चल रही हैं, उसकी एक लंबी लिस्ट है। हर सेक्टर में बिहार जो है काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है आदरणीय तेजस्वी यादव जी तो परेशान होंगे ही। इसलिए झूठे आंकड़ों के माध्यम से बेबुनियाद आरोप लगाना ये उनकी नियति बन चुकी है और स्वाभाविक है। वो तो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल चुके हैं, लेकिन उनको समझने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री बनने का सपना तभी पूरा होगा जब आप आदरणीय नीतीश कुमार की तरह विजनरी लीडर बनेंगे। राजनीतिक कोविड से पूरे तौर पर संक्रमित तेजस्वी यादव ने कोविड टीकाकरण के अभियान को काल्पनिक बताया था। संकल्प लेकर करके दिल्ली में प्रवास कर रहे थे जो मोबाइल लोकेशन से मिला था, हालांकि इनके भाई का दूसरे तरह का बयान इस संदर्भ में है। अरे कोविड टीकाकरण में बिहार जैसे राज्य ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां आधारभूत संरचना बहुत बेहतर स्थिति में है स्वास्थ्य के प्रक्षेत्र में, उसके मुकाबले में बिहार ने जो बेहतर काम किया है, तो कम से कम आप भी कोविड टीकाकरण को काल्पनिक बनाने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ले रहे थे, वो भी कोई जाने नहीं चुपचाप, लेकिन पकड़े गए। तो महा वैक्सीनेशन अभियान के बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और इसको लेकर बिहार की सियासत में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। पटना से तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, पहले वैक्सीन की कमी बताई जा रही थी, तमाम लोगों को वैक्सीन का टीका नहीं लग पा रहा था, लेकिन एक दिन महाअभियान होता है उसके बाद बिहार की सियासत गरमा जाती है। सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने
एक चार्ट शेयर किया है ट्वीट के जरिए और पूछा है सवाल कि आखिर सिर्फ एक दिन ही वैक्सीन क्यों। देखिए स्वाभाविक तौर पर अगर 30 लाख डोज की बात करें, 17 तारीख की बात करें, तो थोड़ा सा उससे अगर पहले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी संख्या में वैक्सीनेशन में कमी थी। और तेजस्वी यादव ने यही सवाल पूछा है कि जब आम दिनों की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में पाँचवें छठे नंबर पर था बिहार वैक्सीनेशन के मामले में, और अचानक नंबर वन कैसे हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वैक्सीन को दबा कर रखा गया 17 तारीख के लिए, वैक्सीन लोगों तक नहीं जाने दिया गया, क्योंकि 17 तारीख का प्लान सरकार ने, गवर्नमेंट ने पहले से तय कर रखा था कि 17 तारीख को ही वैक्सीन रिलीज़ किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका दिलाया जाएगा। और अगर वाकई वैक्सीन को रोक कर रखा गया तो ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो तेजस्वी यादव इसी मंशा के तहत ट्वीट किया है, सवाल खड़े किए हैं, और स्वाभाविक तौर पर जब तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं तो इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी आनी स्वाभाविक थी। रूलिंग पार्टी ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले भी कई बार वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़े करते रहे थे कि वैक्सीन आया है या नहीं आया है, बहुत तरह के उनके स्टेटमेंट भी आए, हालांकि बाद में उन्होंने काफ़ी लेट वैक्सीन भी लिया था, तो इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे थे। इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि एक अच्छे संकेत दिखे 17 तारीख को 30 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं दिसंबर तक बिहार में टीकाकरण अभियान यानी 6 करोड़ लोगों तक टीकाकरण अभियान जो है वो पहुंचाना है, तो पूरे बिहार की बात करें तो 4 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा हो चुका है, 2 करोड़ लोगों को टीका देना है। तो ऐसे में अगर इस तरह से ताबड़तोड़ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी तो लक्ष्य को हासिल करना आशुतोष, और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर 17 तारीख को ही वैक्सीनेशन महाअभियान चलाएगा, लेकिन बाकी के दिनों का क्या? नेता प्रतिपक्ष ने भी यही सवाल खड़ा किया है कि सीधे तौर पर सिर्फ एक दिन के मात्र वैक्सीनेशन से क्या लक्ष्य पूरा हो पाएगा, चूंकि जिस तरीके से हमने देखा बिहार ने रिकॉर्ड बनाया, तो ऐसे में हर दिन क्यों नहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाता। 17 के बाद अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आई एक बार फिर से। देखिए स्वाभाविक तौर पर, और ये सवाल अपोजिशन की तरफ से है कि हर दिन कम से कम 10 दिन तो ऐसे अभियान को चलाने की ज़रूरत है ताकि तय समय पर अभियान को पूरा अंजाम दिया जा सके, और 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीन देने का टारगेट भी सरकार का है। अब आप देखेंगे कि सितंबर महीना खत्म होने जा रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बचेंगे, तो ये माना जा रहा है कि सरकार ये लक्ष्य तय करके चल रही है कि वो तय समय में अपना टीकाकरण अभियान पूरा कर लेगी। और रूलिंग पार्टी ये विश्वास भी जता रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो अभियान 17 तारीख को चला है वो अभियान आम दिनों में क्यों नहीं चल सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उसी तरह का अभियान चले तो जल्द से जल्द टीकाकरण का अभियान पूरा हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, उस संसाधन के मुताबिक आम दिनों में वैक्सीनेशन का अभियान चलता है, लेकिन कुछ खास दिनों में अतिरिक्त संसाधन झोंके जाते हैं, और उसी अतिरिक्त संसाधन के का ही नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संभव हो सका, और हर दिन उतने संसाधन को झोंकना संभव नहीं है। और यही वजह है कि चूंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि टीका की किल्लत है, टीका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। अगर टीका ज्यादा, लेकिन आशुतोष ये कहना भी कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि अब वैक्सीनेशन के नाम पर भी सियासत की रोटियां सेकी जा रही है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पटना के आरजेडी दफ्तर में एक और नियम बदला गया है, अब सिर्फ खास लोगों को ही पार्टी दफ्तर के अंदर जाने की इजाजत होगी। पार्टी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्य दरवाजे पर स्टाफ को बिठा दिया है, बगैर इजाजत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि मीटिंग की वजह से नई व्यवस्था की गई है। आरजेडी में लगातार नियम बदल रहे हैं, पहले आप देख सकते हैं आरजेडी में गेट के बाहर चेन लगा रहता था, ताला लगा रहता था, लेकिन इस बार नियम बदले हैं, इस बार आरजेडी दफ्तर के ठीक गेट के अंदर भी ताला लगा हुआ है, यानी कोई भी साधारण आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। बोला जी, आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी अंदर जो है भोला यादव है, पूर्व विधायक हैं, ये गेट जो है देखिए आप, गेट बंद है, अब ये गेट
खोला जाएगा, उसके बाद यहाँ से अंदर नेता जाएंगे और फिर ये गेट जो है इसे बंद कर दिया जाएगा। अभी हम लोगों का 21-22 को प्रशिक्षण शिविर है, उसके तहत कार्यक्रम है, सारा रूपरेखा तैयार हो रहा है, काम चल रहा है, तो उसी को लेकर के ताला बंद कहाँ किया है? आप देख रहे हैं लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, बेवजह का भीड़ न लगे इसको लेकर के, चूँकि काम काज में बाधा उत्पन्न ना हो इसलिए ये सिर्फ लगाया गया है, तो लोग बैठे हैं, आपको जाना है चलिए, गेट खुला हुआ है, सिस्टम आया है और इस सिस्टम के मुताबिक ये दरवाज़ा बंद हो चुका है और ये दरवाज़ा कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही खुलेगा, फिर ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो पहले मेन गेट पर चेन लगा था और अब ये दरवाज़ा बंद हो चुका है। तेज प्रताप यादव ने आपत्ति दर्ज की थी, जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उनका साफ तौर पर कहना था कि पार्टी का गेट हमेशा आम कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए खुला रहता है, लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि ये पार्टी के नेता बता रहे हैं कि मीटिंग चल रही है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है जिसके कारण दरवाज़ा बंद रहता है, कोई भी आदमी आ जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये एक नई परिपाटी की शुरुआत है जिसको लेकर के कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सहनवाज के साथ आशुतोष चंद्र जी, मीडिया।